ऑफ एजुकेशन में होगा सबसे इम्पोर्टेंट स्टडी कर रहे थे जेनेटिक टर्मिनोलॉजी के अंतर्गत जो पढ़ रहे थे उसमें कुछ टर्म्स से अभी और भी हैं डोमिनेंट एंड रिसेसिव कैरेक्टर यानी प्रभावी अप्रभावी लक्षण या विशेषक कह सकते हैं डोमिनेंट एंड रिसेसिव यानी प्रभावी और अप्रभावी यानी इन्हें हम क्या बोलते हैं अपन प्रभावी बोलते हैं प्रभावी लक्षण कहते हैं और इनको अप्रभावी लक्षण बोलते हैं यानी ट्रेड या करेक्टर कह सकते हैं लक्षण कह सकते हैं ठीक है। तो डोमिनेंट करेक्टर प्रभावी लक्षण यानी कैसे क्या बोलते हैं जिन किसी एलिलोमोर पेयर का जो एलील होते हैं उनका जो जोड़ा पेयर होता है एलिलोमोर पेयर का वह एलील जो होमोजाइगस व हेटरोजाइगस दोनों कंडीशन में शो होता है यानी प्रदर्शित अपने आप को प्रदर्शित करता है रिप्रेजेंट करता है स्वयं को प्रदर्शित करने में सक्षम होता है यानी पावरफुल होता है वे डोमिनेंट कैरेक्टर कहलाते हैं। जैसे कहा था टॉलनेस के लिए कैप्टन टी ठीक है। तो डोमिनेंट कैरेक्टर क्या है यानी जो ऐसे कैरेक्टर जो F1 पीढ़ी में जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं उन्हें हम डोमिनेंट कैरेक्टर कह सकते हैं ठीक है। यानी होमोजाइगस और हेटरोजाइगस इसके पहले बताया था अपन को होमो जैसे ये क्या है होमोजाइगस है और इसकी बात करें तो ये हेटरोजाइगस है ठीक है। तो यानी होमो टॉलनेस के लिए एग्जांपल क्या टॉलनेस के लिए कैपिटी इस बार दूसरा क्या कैरेक्टर है रिसेसिव कैरेक्टर किसी एलिलोमोर पेयर का यानी जैसे किसी एलिलोमोर पेयर का वह एलील जो हेटरोजाइगस कंडीशन में स्थिति में दूसरे विपरीत कारक की दूसरी विपरीत कारक या जीन कह सकते हैं उसको फैक्टर भी कहा है मेंडल ने कारक की उपस्थिति में स्वयं को प्रदर्शित करने में असमर्थ होता है यानी कैपिटली पॉसिबल नहीं होता है असमर्थ होता है सक्षम नहीं होता है उन्हें रिसेसिव कैरेक्टर कहते हैं। जैसे कहा जाए कि ड्वार्फनेस के लिए स्मॉल टी एग्जाम्पल के तौर पे अपन देखेंगे ठीक है। यानी ड्वार्फनेस के लिए क्या स्मॉल टी है सपोज मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने लिया ये कैपिटल टी और इस ड्वार्फनेस के लिए यह है एक तरह से क्या है ये F1 जनरेशन है ठीक है। अब इनके बीच अपन क्रॉस कराएंगे तो यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी ये P1 जनरेशन थी ये P1 यानी P जनरेशन है पेरेंटल पीढ़ी है ठीक है। यहाँ पे हमें प्राप्त हो रहा है F1 जनरेशन तो यहाँ पे ये क्या हो गया डोमिनेंट कैरेक्टर है और ये क्या है रिसेसिव कैरेक्टर है यानी जो F1 जनरेशन में पहली पीढ़ी में जो अपने आप को यानी शो करता है तो वो डोमिनेंट कैरेक्टर जो अपने आप को शो नहीं कर पाता वो रिसेसिव कैरेक्टर ये भी कह सकते हैं ठीक है। और पहली बताया कि होमो और हेट्रो दोनों कंडीशन में अपने आप को शो करता है तो वो है क्या है डोमिनेंट कैरेक्टर है और जो यानी सिर्फ हेट्रोजाइगस कंडीशन में शो होता है वो रिसेसिव कैरेक्टर कहलाता है। नेक्स्ट जो टर्म्स हैं मेंडल के टर्म्स जो है टर्मिनोलॉजी उसके नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। नमस्कार।